कि इलेक्ट्रिक की मंसूबों में ताखीरी लागत सारिफिन पर नहीं डालेंगे। चेयरमैन नेप्रा बरहम हो गए, कहा कि इलेक्ट्रिक के हर शोबे में खला मौजूद है। के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर नेप्रा में समात हुई। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के इलेक्ट्रिक ने मौकफ पेश किया कि हम ये नहीं कहते कि हमारे अंदर खराबी नहीं। नेप्रा के इलेक्ट्रिक को सरमायाकारी करने की इजाजत दे, इजाफी सरमायाकारी से के इलेक्ट्रिक के नुकसान कम नहीं होंगे। 114 अरब रुपए की सरमायाकारी की इजाजत रुपए की कदर में कमी के बाइस मांग रहे हैं। इससे सारिफिन के लिए टैरिफ में 7 पैसे कमी होगी। चेयरमैन नेप्रा ने कहा कि 114 अरब की सरमायाकारी के बाद टैरिफ में कमी कैसे होगी। के इलेक्ट्रिक इस हवाले से अथॉरिटी को तफसीलात फराहम करे। ऑपरेशन और मेंटेनेंस पर कितना खर्च हुआ और आप ये रकम दोबारा क्यों मांग रहे हैं। 900 मेगावाट के मंसूबों में ताखीर पर चेयरमैन नेप्रा ने कहा कि अगर पावर प्लांट्स में के इलेक्ट्रिक की ताखीर साबित हो गई तो टैरिफ में शामिल करने की इजाजत नहीं देंगे। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने जवाब दिया कि के इलेक्ट्रिक का 900 मेगावाट पावर प्लांट का पहला यूनिट 2021 में पैदावार शुरू कर देगा। समात के दौरान नेप्रा अथॉरिटी कराची में बदतरीन लोड शेडिंग पर बरहम हो गई। मेंबर टैरिफ नेप्रा सैफुल्ला चट्ठा ने कहा कि कराची में शदीद गर्मी है और लोग तड़प रहे हैं। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने एतराफ किया कि कराची के 20% इलाके में यौमिया 9 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, क्योंकि इस वक्त बिजली की तलब 3200 पैदावार 2800 मेगावाट है।